हेलो भाई, स्वागत आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो इसके सभी क्वेश्चन हम उसे हल करेंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका पहले क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है। यानी हमारे पास क्या पूछ रहा है कि जीरो को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या, जीरो जो है उसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या, क्या यह एक परिमेय संख्या है। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले जो सवाल उठता है वो उठता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। भैया जी, परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सके और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो और पी और जो क्यू है वो बराबर में पूर्णांक होने चाहिए, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि P बटा Q के रूप में हमें लिखें किसी संख्या को और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। अगर Q बराबर जीरो हुआ तो हम उसे परिमेय संख्या नहीं कर सकते। ओके, समझ में आ गई ये बात आपको। तो अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि क्या शून्य यानी जीरो को, जैसे हल देखिए, इसका हल करते हैं हम। जीरो है, जीरो को हम बटा में एक लगा देंगे तो जीरो बटा एक हो गया, तो यह एक पी बटा क्यू के रूप में आ गया ना, पी बटा क्यू के रूप में आ गया और क्यू बराबर डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि जीरो बराबर जीरो बटा एक, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई, जीरो बटा दो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई, इसी प्रकार से जीरो बटा सात ये भी एक परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा कि हाँ, हम जीरो को परिमेय संख्या कह सकते हैं और इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जो उसका आप इस तरीके से लिख देना। इसको क्या लिखेंगे हम, तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को जीरो बटा एक, जीरो बटा दो, जीरो बटा सात यानी कि पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। यदि हम किसी संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिख दें और क्यू बराबर डज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो भैया जी, तो इसका हल ये हो गया, ये यहाँ पर रफ है, इसका हल ये हो गया, तो आप इसे लिख लीजिए। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक। तो भैया जी, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि तीन और चार के बीच में छह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि तीन और चार के बीच में छह परिमेय संख्या हमारे पास ज्ञात करनी है। तो वैसे तीन और चार के बीच में तो बहुत परिमेय संख्या है, हमें छह ज्ञात करनी है। ओके, तो हल करेंगे इसका। हमें तीन और चार के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तीन और चार के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो तीन के बट्टा में एक लगा दो और चार के बट्टा में भी एक लगा दो, ठीक है। इसको करने का तरीका बता दूं आपको, बहुत ही इजी तरीका है। तीन के बट्टा में एक लगा दिया और चार के बट्टा में एक लगा दिया, इसे भिन्न के रूप में लिख लिया। अब क्या बोल रहा है कि छह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, हमें जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे एक बढ़ाकर, छह के बाद में सात आठ नौ आता है, यानी कि हम सात आठ नौ किसी में से भी एक संख्या से इनको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम करते हैं सात से मल्टीप्लाई करते हैं, सात से मल्टीप्लाई करेंगे तीन बटा एक को भी ऊपर और नीचे, चार बटा एक को भी सात से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सात या इक्कीस, सात एकम सात, सात चौक अट्ठाईस, सात एकम सात, ये हमारे पास दो संख्याएं निकल के आ गई, इक्कीस बटा सात और अट्ठाईस बटा सात। अब क्या करना है भैया जी, इन सभी संख्याओं को में से हमें हर को समान लेना है, हर हमारे पास सात दे रखा है, समान है। ओके, 21 के बाद क्या आता है, 22, 22 बटा सात, 22 के बाद 23 बटा सात, 23 के बाद 24 बटा सात, 24 के बाद 25 बटा सात, 25 के बाद 26 बटा सात, 26 के बाद 27 बटा सात, ये लो हमारे पास छह परिमेय संख्या आ गई, बहुत ही आसान तरीका है ना। अब हमारे पास तीसरे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि तीन बटा पांच और चार बटा पांच के बीच पांच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ये सेम ही दूसरे क्वेश्चन की तरह है, हमें इसी तरीके से करेंगे इसको भी। सबसे पहले हम लिख लेंगे किसके बीच में ज्ञात करना है हमें, तीन बटा पांच और चार बटा पांच के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, पांच, पांच से बड़ा छह सात आठ, यानी कि पांच से किसी भी बड़े यानी कि छह सात आठ इन तीनों में से किसी भी एक से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसे छह से करते हैं,
ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों को, ठीक है, छह से ऊपर और छह से नीचे, इसे भी छह से ऊपर और छह से ही नीचे, छह ती अठारह, छह पंजा तीस, छह चौका चौबीस, छह पंजा तीस, हमारे पास दो संख्याएं निकल के आ गई, एक अठारह बटा तीस, एक चौबीस बटा तीस। ओके, अब इनमें हमें हर को समान रखना है, अठारह के बाद क्या आता है उन्नीस, उन्नीस बटा तीस, फिर बीस बटा तीस, फिर इक्कीस बटा तीस, फिर बाईस बटा तीस, फिर तेईस बटा तीस। ये देखो, ये हमारे पास पांच परिमेय संख्या आ गई, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको हल कर लिया है। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, जो कि एक नॉर्मल है, उसको हम असत्य और सत्य का है, उसे हम बहुत आसान तरीके से देख लेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। तो भैया जी, हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि नीचे दिए गए जो कथन है उन्हें हमें देखना है कि सत्य है या असत्य है, पर यह बताना है कि ये सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। ओके, हमारे पास पहला जो कथन है वो है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमें बताना है, ये सत्य है या असत्य। सबसे पहले हम पहले का हल देखते हैं। क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो हमें एक, दो, तीन, चार, पांच ऐसे अनंत तक जाती हो, ये सभी प्राकृत संख्या है। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ये लो भाई, पूर्ण संख्या होती है जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये अनंत तक जाती है, ठीक है। प्राकृत संख्या एक, दो, तीन, चार, पांच, पूर्ण संख्या जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे अनंत तक जाती है। तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, यानी कि जो प्रत्येक यानी सभी प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या के अंदर आती है क्या। यानी प्राकृत संख्या हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच ऐसे अनंत तक है, पूर्ण संख्या जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच ऐसे अनंत तक है। तो हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच ये अनंत तक है ना, तो ये इसके अंदर पूर्ण संख्या में भी आ रहा है। कहां आ रहा है, ये आ रहा, एक, दो, तीन, चार, पांच अनंत तक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य सत्य है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है। ओके, हमने ये पहला कथन सिद्ध कर दिया। अब दूसरा कथन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या। दूसरा कथन हमें हल करना है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या। सबसे पहले देखते हैं कि पूर्णांक आखिरकार होते क्या हैं। पूर्णांक होते हैं जीरो, एक, दो, तीन, चार ऐसे अनंत तक, ऐसे प्लस प्लस की ओर, इधर माइनस की ओर, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ऐसे अनंत की ओर। यानी कि माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक जो भी संख्याएं होती है वो सभी पूर्णांक में आती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है हमारे पास ये जो है ना, ये अनंत तक, ये सभी पूर्ण संख्या होती है, जीरो, एक, दो, चार, पांच, ये सभी पूर्ण संख्या है। पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या, यानी कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं क्या, ये असत्य है। क्योंकि सभी पूर्णांक होते हैं वो होते हैं कि माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक, यानी कि ऋणात्मक संख्या भी आती है और धनात्मक संख्या भी आती है पूर्णांक के अंदर, और पूर्ण संख्या सिर्फ धनात्मक संख्या ही होती है, ये यहां पर असत्य हो जाएगा, ये असत्य है। क्योंकि सभी ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं आते, में नहीं
आतिल। ओके, हमारे पास जो लास्ट दो दे रखा है वो क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q does not equal to 0, ओके इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो भैया जी 4/2 है वो एक परिमेय संख्या है, 4/2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम काट कर 1, 2 आ गया, ये एक पूर्णांक हो गया, ठीक है। लेकिन 5/4 एक परिमेय संख्या है और इसे काटने पर 4 × 4 एक बच गया, पॉइंट लगाने पर 0, 2, 1.25 एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, ये कथन असत्य है क्योंकि 4/2 एक परिमेय संख्या है जो कि पूर्णांक तो है, लेकिन 5/4 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।